तुम जलते रहो, मैं जलाता रहूंगा। अपनी नजर का ख्याल रखना, मैं नजर आता रहूंगा। गुड मॉर्निंग राजकोट, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी मैं गार्डन में मौजूद हूँ, क्योंकि वहाँ वाईफाई नहीं चल रहा है और लाइट भी गई हुई थी, तो मैं सोचा आज इंट्रो गार्डन से देते हैं खुले में। पहली बात तो ये कि YouTube का नया फीचर आया है, YouTube सुपर चैट या सुपर थैंक्स करके कुछ आया है। तो लाइक कमेंट शेयर वाली जो लाइन होती है ना, उसमें आगे जाओगे ना तो उसमें होता है थैंक्स का ऑप्शन। अगर मेरे में अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे को ज़रूर बताना, उसमें आप अपने फेवरेट क्रिएटर को मतलब फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। दूसरी बात ये कि भैया कल वाले व्लॉग में मैं कमेंट शाउट आउट देना भूल गया, सॉरी। लेकिन गुजराती भैया सबका हिसाब करेंगे, तो आज देंगे हम दो कमेंट शाउट आउट। पहला जाता है दिव्यांश खुराना को। दिव्यांश खुराना इज नोनू, मेरी गली में रहता था, ट्यूशन आता था, छोटा सा था, बोलू मोलू सा, लेकिन अब वो छोटा सा नहीं रहा, वो यंग हो गया, थोड़ा सा शरारती भी हो गया होगा, हरामी भी हो गया होगा। हरामी इन द सेंस कि बड़ा हो जाता था, बंदों को घूमना फिरना और लड़कियाँ वड़कियाँ फंसाना। बाकी अब वो नोनू नहीं रहा है, ना ही उसका नोनू जैसा कुछ मतलब काम रहा है। एनीवेज, थैंक यू दिव्यांश भाई, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, कीप कॉमेंटिंग, और मिलते हैं आपसे जल्दी दिल्ली में। बंजारी फैशन सेल्स गर्ल जोइए अच्छे। तो भैया ये सेल्स गर्ल की नौकरी अगर किसी को करनी हो राजकोट में लड़की को, तो कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी पे करना कॉल वॉल। भैया मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये तो यहीं कहीं दिखा बोर्ड, तो मैंने सोचा हेल्प कर देता हूँ। ये पता चला आतंकवादी तालिबान निकले साले, पता नहीं है भैया, कुछ भी हो सकता है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है कोई। चलो मिलते हैं। वेलकम बैक टू दुकान, और अभी हम ब्लॉग अपलोड करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। फोन तो दो। तो अभी जो आपने 5-6 सेकंड का हाइपरलैप्स देखा यूट्यूब वीडियो अपलोड का, वो था 5-6 सेकंड का, उसे अपलोड करने में 1.5 घंटा चला जाता है स्ट्रगल। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। हवाएं बहुत अच्छी चल रही है भैया, ऐसा करते हैं 2-3 रील्स बना लेते हैं, काम आएगी इंस्टाग्राम पे डालने में, वहाँ पे भी तो फॉलोअर्स बढ़ाने। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। Wait, is my shirt smell weird? ये चलो माल भेजने, डब्बे पैक करो। गजब बेइज्जती है। चलो भैया पेट पूजा करके आते, पहले फिर बात करते हैं। भाई भेजो, एक वीडियो लेवानी है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भैया शॉर्ट्स लेने में, लाइक कर देना। वेलकम बैक टू दुकान। थोड़ी थोड़ी नींद भरी आंखें और थोड़े थोड़े छपरी राजकोट के जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान दें। तो भैया आज का जो कमेंट शाउट आउट है वो जाता है संजय जेठवा को। संजय जेठवा मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत सारे हैं, तो मैं उनकी फ़ोटो लगा दूंगा ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली और बिजनेस में है, यही फुटवेयर बिजनेस में, तो काफ़ी बार मिलना जुलना होता रहता है। काफ़ी सपोर्टिव बिहेवियर है भाई का, जो नेचर है काफ़ी सपोर्टिव है, और अच्छा लगता है जब भी उनसे बात करता हूँ। वैसे बहुत कम बात होती है लेकिन अच्छा लगता है। अभी कुछ टाइम पहले भाई ने राजकोट से गाठी मंगवाए थे, मैंने भर भर के भेजे थे, पैसे भी लिए थे उसके, क्योंकि पैसा इज़ एवरीथिंग। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई की शादीशुदा जिंदगी चल रही है, बच्चे पता नहीं हुए नहीं हुए, भाई नहीं हुए तो कर लेना, वैसे नहीं करो अभी कोरोना चल रहा है, परेशान हो जाओगे। ब्लॉग्स देखते रहा करो मेरे, अच्छा लगता है, कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता लगे कि भाई जिंदा है और मेरे ब्लॉग्स देख रहा है। मुझे ये बोलना था कि मुझे ना रोज़ टाइटल को लेके काफ़ी इशू रहता है कि टाइटल क्या रखूँ, मेरी पूरी वीडियो तो बन जाती है, एडिट भी हो जाती है, लेकिन टाइटल देख के लोग क्लिक करते हैं। भैया इंडिया यहाँ पे कंटेंट नहीं चलता है, यहाँ पे थंबनेल में क्या दिख रहा है उसको देख के क्लिक करेंगे। अगर किसी थंबनेल में लिखा है 1 महीने में लाख रुपए कमाए, सब क्लिक कर देंगे। किसी थंबनेल में लिखा है 10 मिनट में मोमोज बनाना सिखाए, सब क्लिक कर देंगे। सालों 10 मिनट में गोभी भी नहीं सुधरती, 10 मिनट में मोमोज कहाँ बनाओगे तुम। लेकिन है भैया इंडिया है, सब चलता है, हमारा थंबनेल तो कोई क्लिक ही नहीं करता। म्यूजिक, मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ जितने भी क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, जो वीडियोस बनाते हैं, उनको ये कह रहा हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूट्यूब। बाकी बस वो है ना, दिख रहा है
दिखता ही तो नहीं है वो, यही तो दिक्कत है। दिख जाए तो सारी मुसीबतें एक बारी में हल कर दे, वो दिखता ही नहीं है लेकिन उस पर विश्वास रखो। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? अभी जाना है गांव में, कहाँ जाना है बताऊँ? त्रिकोण बाग, मैं त्रिकोण बाग ही नाम जानता हूँ बस, बाकी कुछ नहीं पता। बस स्टैंड के पास जाना है जहाँ हमने गन्ने का जूस पिया था, तो मिलते हैं फिर आपको वहाँ पे। तो पहला सामान ले लिया भैया, अब ये जाएगा सीधा डिक्की में। गया गाइस, वी आर इन बिटवीन मेटोड़ा एंड राजकोट। जैनिश भाई आ रहे हैं सामान लेने, ये इंडिकेटर की लाइट से ब्लॉक कर रहा हूँ मैं। स्ट्रगल है भैया, सब कुछ स्ट्रगल है। पूछा पूछा मेरे कुछ दुकान बढ़ा दिए भैया और गल्ले के पैसे गिने जा रहे हैं अंदर। उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे, मुझसे ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं जाएगा शाम को खाए बिना। तो बस ट्रिप करके आए, वापस शाम को खाना चालू करेंगे भैया हम। कुआं खाली नहीं रह सकता।